तो दोस्तों हमारे पास ये ओप्पो A37F है। तो इस फ़ोन के अंदर जो है पेट्रोल लॉक लग गया है। तो इस पैटर्न को आप किस तरह से विदाउट डाटा लॉस आप इसको रिमूव कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं, अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे। तो सबसे पहले फ़ोन को आपको पावर ऑफ कर देना है, ठीक है। पावर ऑफ कर देने के बाद फाइनली आपको मैं यहाँ से डिवाइस मैनेजर को खोल लेना है। माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाकर डिवाइस मैनेजर को खोलना है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसको खोल दिया, आपका ड्राइवर वगैरह शो करेगा इसलिए। तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम का ड्राइवर को आपको इंस्टॉल कर देना है आप अपने पीसी में, ठीक है। उसके बाद फाइनली आपको ये जो मिराकल का क्रैक है तो इसको आपको रन करना है। तो रन करने के बाद यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम को सबसे पहले आप चेंज कर दीजिए, नहीं तो स्टार्ट बटन आपका वर्क नहीं करेगा अभी फ़िलहाल। तो इसका सोल्यूशन मैंने बताया था लेकिन वो अभी काम नहीं कर रहा है, इसीलिए आपको डेट एंड टाइम को चेंज करना होगा अगर आप क्रैक यूज़ कर रहे हैं। तो इस टूल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूँगा, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो फाइनली आपको ये टूल रन होना देना है। तो देख सकते हैं हमारा ये क्रैक रन हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वालकॉम में जाना है, उसके बाद पोर्ट को यहाँ पे स्कैन करना है, ठीक है। स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पे ओप्पो मेथड को सिलेक्ट करना है, ओप्पो, ठीक है। अब आपको जाना है यहाँ पे रीड फॉर्मेट फ्लैश, उसके बाद रीड बटन, उसके बाद स्टार्ट के ऊपर कर देना है क्लिक। तो यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद फाइनली देख सकते हैं हमारा ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, ठीक है दोस्तों। हमारा यहाँ पे पैटर्न जो भी है वो रीड करके दिखाएगा। तो फाइनली देख सकते हैं ये हमारा जो दे दिया है यहाँ पे पैटर्न। तो फाइनली इसको हम यहाँ पे फ़ोन को ऑन करेंगे। फ़ोन को ऑन करने के बाद फाइनली आपको यहाँ पे जो कोड दिया गया है उसी दौरान से आपको टाइप करना है। तो फाइनली फ़ोन को मैं यहाँ से ऑन करता हूँ, तो फ़ोन हमारा ऑन नहीं हो रहा है, तो मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ, ठीक है। टाइम लग रहा है, तो फिलहाल फिर से मैं पावर बटन को प्रेस करता हूँ, तो फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। तो मैं बताता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पैटर्न टाइप करना है आपको, ठीक है। पैटर्न को क्या टाइप करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे 5 है, उसके बाद 6 है, तो मैं सिंपली यहाँ पे ये वाला 5 है, 6 है, 9 है, उसके बाद 8 है, 8, उसके बाद 3, ओके। तो ये पैटर्न हमारा यहाँ पे खुल चुका है। तो दोस्तों कितनी आसानी से आप विदाउट डाटा लॉस इस पैटर्न को रीड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ओप्पो का फ़ोन है ये 37F, तो इस फ़ोन को आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।